गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में अगर कोई भी वैल्यूज हम लोग कहने में डालते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ कि आपने कोई वैल्यूज जैसे कि 3589 सेकेंड आपने इनपुट किए, तो आपको जो रिजल्ट है वो शो करेंगे आवर मिनट और सेकेंड में। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर आज हम लोग कैसे बनाएंगे, आज के टॉपिक में यही चीज सीखने वाले हैं, वो भी एमएस वर्ड में। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं ये कैसे संभव है। सो लेट्स, जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है टाइम नाम से। तो चलिए झट से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, इसको हम लोग एनेबल कर लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि शो बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये यूज़र फॉर्म ओपन हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर शो बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मांगेगा इंटर वैल्यू इन सेकेंड, मतलब जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे वो सेकेंड में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग डाल देते हैं 48, 86, 89 और इसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो आ जाए वो हम लोग का आवर मिनट और सेकेंड में शो हो जाए। तो इसमें जस्ट हम लोग ओके बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है द टाइम इस फॉर्मेट में होंगे आवर मिनट और सेकेंड में। तो देखिए दिखा रहा है 1 hour 21 minute and 29 seconds दिखा रहा है। इसको क्लियर करेंगे देखिए क्लियर हो जाएगा। फिर आप दूसरा वैल्यू देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप दूसरा वैल्यू हम लेके देखते हैं 5807 सेकेंड है, तो इसको हम लोग आवर मिनट और सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो देखिए ओके कर देते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं, तो ये कैसे बनाना है, तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं और नया वर्ड एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग के पास नया वर्ड एप्लीकेशन आ गया है, सबसे पहले हमको जाना है डेवलपर टैब में। तो चलिए मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, देखिए डेवलपर टैब आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको चल जाना है विजुअल बेसिक में, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको आना है यूज़र फॉर्म, इंसर्ट यूज़र फॉर्म में यहाँ पर क्लिक करना है और आपको आना है यूज़र फॉर्म में। अब आप देख रहे हैं यूज़र फॉर्म का विंडो आ गया है, इसको हम लोग थोड़ा जूम को हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को शुरू होता है डिज़ाइन का काम। सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिस्ट बॉक्स को ले लेंगे। तो चलिए हम लोग एक लिस्ट बॉक्स को यहाँ तक इंक्लूड कर दिए हैं, ये हो गया। यहाँ पर हम लोगों को दो कमांड बटन चाहिए, एक का नाम हम लोग रख देंगे शो, यहाँ पर हम लोग नाम रख देते हैं इसका शो, ये हो गया। और एक बटन और ले लेते हैं, इसका नाम हम लोग रख देंगे क्लियर, क्योंकि हमको इसको क्लियर करने के लिए क्लियर। और एक बटन और रख सकते हैं इसको एग्जिट करने के लिए, यहाँ से बाहर निकालने के लिए। यह आपका तैयार हो गया। अब जो है इसमें डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन कैसे करना है, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो को ओपन कर लेना है और यहाँ पर यूज़र फॉर्म को जो है हम लोग इसको पूरा ब्लैक कर लेंगे। तो चलिए ब्लैक कलर में जाएंगे और यहाँ से जो है इसको हम लोग ब्लैक कर लेंगे, देखिए पूरा पूरी ब्लैक हो गया है। और यहाँ लिस्ट बॉक्स जो है इसको भी हम लोग ब्लैक कर लेंगे, इसको भी ब्लैक कर लिए हैं। और इसका बॉर्डर स्टाइल जो है इसको भी हम लोग सिंगल कर देंगे ताकि वो पूरा ब्लैक हो जाए, देखिए अभी भी कलर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको देखिए पूरा पूरी ब्लैक हो गया। अब जो है इसमें जो है हम लोग 4 कलर को अप्लाई करेंगे जिससे कि हम लोग को रिज़ल्ट जो है वो हम लोग को दिखाई पड़े, नहीं तो क्या होगा कि ब्लैक कलर से ब्लैक कलर मैच हो जाएगा तो आपको रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को 4 कलर में जाना है और यहाँ से जो है हम लोग व्हाइट वाले जो ऑप्शन कलर होंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे, आप चाहे तो दूसरा कलर भी ले सकते हैं। अब हम लोग फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से जो है इसमें हम लोग बोल्ड कर देंगे, टाइम्स न्यू रोमन लेंगे और यहाँ से इसका साइज 12 कर देंगे, देन इसको ओके कर देंगे, ये तैयार हो गया।
अब जो है काम बचता है इस सब का, तो इसको हम लोग सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद पहले फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, और इसका भी साइज हम लोग 12 रख देते हैं। चलिए ये तैयार हो गया। अब इसमें जो है बैक कलर में जाएंगे, और बैक कलर में जाके इसको भी जो है हम लोग ब्लैक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक होने के बाद हम लोगों को जाना है बैक स्टाइल में, और यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे ट्रांसपेरेंसी। और इसके बाद जो है आपको फोर कलर में आना है, और फोर कलर में आने के बाद इसको आपको कर लेना है वाइट, ताकि ये बटन हम लोगों को शो हो जाए। इतना तक काम करने के बाद आपको जो है अब आपका बचता है कोडिंग का काम। तो चलिए झट से हम लोग इसका कोडिंग कर लेते हैं। तो शो बटन में हम लोग डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर चले आते हैं प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक। तो सबसे पहले हम लोग कुछ वेरिएबल ले लेना है। तो वेरिएबल क्या क्या होंगे, एक होंगे सेकेंड जिसमें रिजल्ट, सेकेंड एज इंटीजर, फिर हम लोग लेंगे एक वेरिएबल डिम एस एस इंटीजर, ये भी सेकेंड के लिए यूज करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग लेंगे डिम एम एस इंटीजर मिनट के लिए, फिर हम लोग लेंगे डिम आवर एस इंटीजर, यह हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसमें सेकेंड इक्वल टू, सेकेंड में क्या होगा इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स में आपको क्या शो करेगा इंटर, आपको इनपुट बॉक्स आएगा। जैसे हम शो बटन में क्लिक करेंगे तो आपको इनपुट बॉक्स में आपको लिखने के लिए मांगा जाएगा, तो इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू इन सेकेंड, किस रूप में आपको लिखना है सेकेंड के रूप में आपको लिखना है, आपको जो भी वैल्यू डालना है वो सेकेंड में होना चाहिए। इनवर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अब एच इक्वल टू हम लोग डाल देंगे सेकेंड, इसमें फॉर्मूला टाइप करेंगे सेकेंड डिवाइडेड बाई 3600, ये हो गया। फिर सेकेंड इक्वल टू आपको यहाँ लिखना है सेकेंड मोड, मॉड्यूल में आएगा और आपको यहाँ पर दिखाना है 3600, ये पर हो गया ताकि मोड आ जाए रिमाइंडर जो है। और एम इक्वल टू यहां पर आपको लिखना है सेकेंड डिवाइडेड बाय, यहां टाइप करना है 60, और फिर एस इक्वल टू आपको लिखना है सेकेंड यहां पर मोड, और यहां पर लिखना है 60, ये हो गया। अब आपको लिखना है लिस्ट बॉक्स, कहां पर आपको वैल्यू दिखाएगा लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम, यहाँ पर ओपन करेंगे, पहले मैसेज आएगा तो इनवाइट कुमार को ओपन करेंगे, मैसेज क्या आएगा द टाइम इज एच एच, इस फॉर्मेट में होंगे एम एम और एस एस फॉर्मेट, यहाँ लिख देना है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आएंगे देन इक्वल टू, और यहाँ पर इस वाले को देने के बाद आपको कॉलम देने के बाद इसको जो है हम लोग इनवर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। सॉरी यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हम लोग का मैसेज हो गया, और मैसेज होने के बाद यहाँ पर आपको लगाना है एंड ऑप्शन, एंड एच आवर के लिए जो प्रिंट करने का होता है वो एंड के साथ होगा। और आपको मैसेज में जैसे हम लोगों को ये आएगा क्योंकि प्रत्येक वैल्यू के साथ ये कॉलन को ऑप्शन देना है, देन आपको फिर से आपको एंड सेक्शन लगाना है, एंड यहाँ पर लगाएंगे मिनट, फिर एंड से हम लोग इसको बंद करेंगे, और फिर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और कॉलन को इन्वर्टेड कॉमा के साथ शो कर देंगे, फिर हम लोग एंड बटन को लगाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे एस, इस तरह से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हम लोग का तैयार हो गया। एक बार रन करके देख लेते हैं कि वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग रन करते हैं, देखिए बिल्कुल आ रहा है। शो बटन में हम लोग डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं शो बटन में, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को डालते हैं 5895, देखिए क्या दिख रहा है, देखिए बिल्कुल शो हो रहा है, जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या कर देते हैं, शो बटन में डबल क्लिक करते हैं, चल जाते हैं, और यहाँ पर यूज़र फॉर्म में जो है थोड़ा सा काम करना है। इसका जो लिस्ट बॉक्स वन जो दिख रहा है और यूज़र फॉर्म जो दिख रहा है, यहाँ पर यूज़र फॉर्म को हम लोग को हटा देना है। तो कैप्शन में जाके हम इसको हटा देते हैं।
तो ये हट गया, यहां से देखिए क्लियर हो गया है। और इसके जगह में आप ये लिख सकते हैं चेंज सेकेंड इन टू, ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर टाइम शो हो गया। एग्जिट के लिए हम लोग कोडिंग कर देते हैं अनलोड मी, ये कोडिंग हो गया। और एक बचता है आपका क्लियर के लिए, तो चलिए क्लियर के लिए भी हम लोग कोडिंग कर देते हैं लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर। चलिए ये भी हो गया है, अब इसको हम लोग झट से रन करके देख लेते हैं। तो देखिए शो बटन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यू टाइप करते हैं और यहाँ पर ये सेकंड में आया। देखिए 2 घंटा 38 मिनट और 59 सेकंड दिखा रहा है। क्लियर करने से क्लियर हो गया, एग्जिट करने से बंद हो गया। अब हम लोग वर्ड एप्लीकेशन में इसको एक बटन बना देंगे, तो चलिए हम लोग एक झट से बटन बना देते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे एडिट में और यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे, टाइप कर देंगे शो। और यहाँ तक करने के बाद इसमें जो है फिर से आपको एक बार प्रॉपर्टीज विंडो में जाना है और यहाँ से इसका बैक कलर में आना है और यहाँ से इसको जो है ब्लैक को ले लेंगे और 4 कलर में जाके इसको हम लोग व्हाइट को सिलेक्शन कर लेंगे और इसका फॉन्ट साइज जो है इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। चलिए टाइम्स न्यू रोमन रख देते हैं और इसको हम लोग 20 कर देते हैं, देन ओके। अब वर्ड एप्लीकेशन में आ जाइए, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए और इसको कन्वर्ट कर देंगे डिज़ाइन मोड में। और अब इसमें देखिए, इसमें अभी वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग इसका कोडिंग नहीं किया है। तो चलिए झट से इसका कोडिंग कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड में हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे यूजर फॉर्म वन डॉट शो। गड़बड़ हुआ है, यूजर फॉर्म वन डॉट शो यहाँ पर आ गया। अब इसको जो है हम लोग इसको वर्ड एप्लीकेशन में चलते हैं, इसको जो है डिज़ाइन मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें क्लिक कीजिए, देखिए बिल्कुल शो हो रहा है। शो बटन में क्लिक कीजिए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर कीजिए, क्लियर हो गया, एग्जिट कीजिए, एग्जिट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।